क्वेश्चन नंबर 141 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मो ये सही ऑप्शन है इसका ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स ये गलत है इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड जैसे कि हम हैड्रोसिस्ट कह सकते हैं ब्लूग नल्गी के अंदर तो शीट सेल लिखा है शीट सेल नाम से कुछ नहीं होता है और फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड केरोगेमी ये भी गलत है है ना केरोगेमी तो दो न्यूक्लिया के फ्यूजन को बोलते हैं है ना तो यहाँ इसके हिसाब से फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ही इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 142, फोर्टी टू विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्ट्रोमा लेमिल फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्ट्रोमा लेमिली पी एस वन ओनली एंड लैक एनआईडी पी डिडक्ट ये तो सही है दूसरा ऑप्शन है ग्रेनाल एमिली है बोथ पी एस वन एंड पी एस टू यह भी सही है साइक्लिक फोटो फास्टेशन इन्वॉल्व बोथ पी एस वन पी एस टू यह गलत है साइक्लिक में सिर्फ पी एस वन इन्वॉल्व होता है और ऑप्शन फोर में बोथ ए टी पी एनआईडी डरिंग नॉन साइक्ट्रॉलेशन ये भी सही है, है, है।, है।, है। यानी कि थर्ड ऑप्शन गलत है तो आंसर थर्ड आएगा क्वेश्चन नंबर 143 फोर्टी थ्री आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट है आर एन ए पॉलम्रिज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट सही है द कोडिंग स्टेंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एम आर एन ये गलत है एक्चुअली एंटीसाइज स्टेंट जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कॉपी होता है ऑप्शन थ्री है स्प्लिट जिन अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोक्यूर ये भी गलत है प्रोक्यूर में स्प्लिट जै अरेंजमेंट नहीं होता है आर की बैक्टेरिया को छोड़कर जनरल यू बैक्टेरिया में नहीं होता है तो ये भी गलत है इन कैपिंग मिथैल गोनोसिन ट्राइफॉसफेट इज एडेड टू द थ्री प्राइमा एंड ऑफ एच एन आर एन ये गलत है एक्चुअली फाइव प्राइमा एंड पर मिथाइल गोनोसिन ट्राईफॉस्फेट कैपिंग में एड होता है थ्री प्राइमा एंड पर तो जो है पोली ए या पोली एडिनालिक एसिड जो है उसके टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड बेसिस जो है वो ऐड होते हैं तो इस एनालिसिस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन है 144. Equation, Nt N0 RT. किसको रिप्रेजेंट करता है तो मैं सभी के बारे में बता दू एनजीरो पॉपुलेशन की इनिशियल साइज है शुरू में एन टी टी टाइम बाद पॉपुलेशन की साइज है आर जो है वो इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और जो टी है वो टाइम है तो यहां ई जो है वो बेस ऑफ नेचुरल लॉग्रिथम्स को रिप्रेजेंट करता है तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 146 मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। इसमें फैमिलीज़ के फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो जो ए में जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया है वो फेबेसी का है जो कि थर्ड नंबर पर दे रखा है सेकंड वाला जो फ्लोरल फॉर्मूला बी में दिया गया है वो सोलनेसी का है जो कि फोर्थ में दे रखा है थर्ड वाला जो सी में जो फ्लोर फॉर्मूला दिया है वो लिलिय का है वो सेकंड में दे रखा है और जो डी में फ्लोर फॉर्मूला दे रखा है वो ब्रेसिकसी का है जो कि फर्स्ट में दे रखा है तो इस एनालिसिस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 147 विच ऑफ़ द फॉलोइंग इस्टेटमेंट इज़ इनकर फर्स्ट ऑप्शन है इन ई टी सी एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए डी एच प्लस एच प्लस गिवस राइज टू टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स एंड वन एफ एड डी एच टू गिवस राइज टू थ्री ए टी पी मॉलिक्यूल्स यहाँ पहला स्टेटमेंट इनकर है क्योंकि एक एन ए डी एच प्लस एच प्लस से थ्री ए टी पी और एक एफ एड डी एच जो है उससे टू ए टी पी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट होते हैं ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिफासन के प्रोसेस में तो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ ए टी पी इस सिंथिसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स फाइव ये भी सही है जिसको हम एफ जोराफ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं थर्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडेंट इन रेस्पिरेशन ये भी सही है ऑप्शन फोर है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम साइटक्रो से इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऑक्सीजन है तो लिमिटेड उसका जो है रोल है तो इस एनालिसिस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी सेवन है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन है क्वेश्चन नंबर इज द रोल ऑफ आर थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूक्यूरियॉट्स यूक्यूरियड्स में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आर ए उसका क्या रोल है तो जनरली देखा गया कि टी आर एन ए फाइव एस आर आर एन ए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यानी कि एस एन को फॉर्म करता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन है क्वेश्चन नंबर 149। फोर्टी नाइन इन सम्बर्स ऑफ विच ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन दे आर वीएबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज तो यहां पर देखा गया कि लेग्यूमिनेसी और रोजेसी इन फैमिली के जो मेंबर्स हैं इनके लिए बात लागू होती है और इनके लिए बात कही गई है सेक्सुअल प्रोडक्शन प्लांट चैप्टर में तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड आएगा क्वेश्चन नंबर 150 सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फर्स्ट पेयर में लिखा इन डायकोट लीव्स वेस्कुलर बंडल्स तो जो लार्ज थिक वाल्ड सेल्स होती है ना कि रूट तो के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लोम के बीच में। तो पहला तो गलत है फर्स्ट वन इज रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन है cells of that form part of ring. ये भी गलत है। वो पेरेंट लूज पेरेंटा सेल्स रपचरिंग लेंस शेप्ड ओपनिंग इन बाक स्पंजी पेरेंटाइमा यह करेक्ट है इसका और फोर्थ ऑप्शन है लार्ज कलरलेस एम टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स सब्सिडियरी सेल ये भी गलत है इसकी जगह पर आना चाहिए था सेल्स सेल्स तो स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट होती है और इस एनालिसिस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स तो फर्स्ट ऑप्शन है इंप्रूव रेसिस्टेंस टू डिजीज ये ऑप्शन रॉन्ग है यानी ये इसमें जो है वो सही नहीं है सेकंड इंप्रूव विटामिन कंटेंट ये सही है थर्ड ऑप्शन इंप्रूव माइक्रोन्यूट्रिंट एंड मिनरल कंटेंट ये भी सही है फोर्थ इंप्रूव प्रोटीन कंटेंट ये भी सही है तो फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन है क्वेश्चन नंबर 154, फिफ्टी फोर विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर यू नो दैट काइजमेटा जो है वो जो है डिप्लोटिन स्टेज में बनते हैं लेकिन वो कह रहा है कि टर्मिनालाइजेशन जो काइजमेटा का होता है जो कि सेंट्रल से पेरिफेरल पार्ट की तरफ होता है वो डायकाइनसिस फेज में होता है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सेकंड होगा क्वेश्चन नंबर 155 फिफ्टी फाइव द फ्रूट फ्लाई हैज एट क्रोमोजोम्स ब्रैकेट टू एन इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट जीवन फेज इज एट इस्ट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आफ्टर एस फेज तो फ्रूट फ्लाई में हर एक सेल में जो कि डिप्लॉयड सेल है हैं। तो क्रोमोजोम के पहले जब इंटरफेज स्टेज होती है तो कह रहा है कि नंबर ऑफ जो थे, वो जीवन फेज में एट हैं। और वो कह रहा है कि वो एस फेज में कितने हो जाएंगे तो जैसा हम जानते हैं कि एस फेज में डीएनए का एप्लीकेशन होता है फोर सी होता है लेकिन क्रोमोजोम नंबर वही रहता है तो आंसर क्या आएगा एट ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 158 मैच लिस्ट 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 फर्स्ट विद सेकंड फर्स्ट में ए में लिखा है एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर से कमर्शियली सिट्रिक एसिड फॉर्म किया जाता है तो इसमें थर्ड आएगा एसिडोबैक्टर एसिटी जो है जो कि बी में दिया है उससे एसिटिक एसिड बनाया जाता है क्लोस्टियम ब्यूटालिकम जो है जो कि सी ऑप्शन में है उससे ब्यूटरिक एसिड फॉर्म किया जाता है और डी ऑप्शन में लैक्टोबेसिलस दिया गया जिससे लैक्टिक एसिड फॉर्म किया जाता है तो इस एनालिसिस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 160। इफ एडिनिन मैक्स 30 परसेंट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड सैटोसिन इट तो अगर हम कहते हैं कि एडिनिन 30 थर्टी परसेंट है तो किससे अटैच होता है थायमिन से। तो थायमिन भी टीबी होगा बचा कितना ट्वेंटी परसेंट तो 40। और ट्वेंटी परसेंट से 20, तो, और 20 गौनीन. तो इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस इस कह सकते हैं किसेंट गुआन गुआनिन भी ट्वेंटी परसेंट और इन ऑलरेडी थर्टी परसेंट दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन टू होगा क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी टू द ऑर्गनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंड सिस्टम आर तो कौन कौन से सेल ऑर्गनेल या पार्ट जो है वो एंडोमेमरन सिस्टम में इन्वॉल्व है एंडोमेमन सिस्टम क्या होता है कई सारे सेल ऑर्गनेल जो है एक कोऑर्डिनेट मैनर में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोसीड करते हैं उसे एंडोमेमन सिस्टम कहते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल इन्वॉल्व होता है और ये पहले ऑप्शन में आपके दे रखा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन द देंट्रोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग डुप्लीकेशन कौन से स्टेज में होता है तो वो होता है एस फेज के अंदर तो एस फेज इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर में तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फोर इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेड्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोगेनी विल बी डिजीज्ड? तो इसे हम एक चेकर बोर्ड से समझ सकते हैं यहां पर अपन कह सकते हैं कि मेल और फीमेल का जीनोटाइप ये रहा होगा क्योंकि वो केरियर है तो ये उनका जीनोटाइप है अगर इनके बीच क्रॉसिंग होती है तो क्या पॉसिबिलिटी है डिजीज ऑफ स्प्रिंग के प्रोड्यूस होने की तो अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो ये नॉर्मल ये नॉर्मल कैरियर और ये यानि कि आउट ऑफ़ फोर वन में डिजीज आने की पॉसिबिलिटी है यानि कि पॉसिबिलिटी है, है तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन टू आएगा इस क्वेश्चन कांबर वन सेवन द ऑप्शन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ डॉपसन यूनिट जो है किसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है और उसका करेक्ट उसका करेक्ट आंसर ओजोन है ओजोन को डॉपसन यूनिट्स में जो है मेजर किया जाता है वन डॉपन यूनिट यानी कि वन डी बी इक्वल टू वन पीपीबी और वन पार्ट पर बिलियन ये इसका वैल्यू होता है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन टू है क्वेश्चन नंबर वन एट्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन तो हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में एम आर एन ए आर आर एन ए टी आर एन ए तीनों का रोल है और ऐसा ही आर एन ए का कोई रोल नहीं है एम आर एन ए इंफॉर्मेशन लेके आता है कोडोन की फॉर्म में पर्टिकुलर इम्यूनिटीज के लिए टी आर एन की तरह काम करता है पर्टिकुलर कोडोन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एम्यूनोसिट को राइबोसोम पर लाता है और आर आर एन ए जो है वो राइबोसोम का पार्ट है और बेसिकली एक एंजाइम की तरह भी काम करते हैं जैसे ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए के अंदर एंजाइम के रूप में काम करेगा बॉन्ड को फॉर्म करने में लेकिन जो स्मॉल इंटरफेरेंस आर एन ए है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता ये डबल स्टैंड आर होता है इसको साइलेंसिंग आर भी कहते हैं ट्वेंटी से ट्वेंटी सेवन न्यूक्लियोटाइट्स का बना होता है और ये नॉन कोडिंग आर होता है और जनरली आर इंटरफेरेंस टेक्निक में यूज़ होता है बेसिकली ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद एम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और स्पेसिफिक जीन्स के सिक्वेंस को एक्सप्रेस होने से रोकेगा जिससे कि ट्रांसलेशन रुक जाता है तो ऐसा ही आर एन स्मॉल इंटरफेयरिंग आर जो है उसका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड है क्वेश्चन नंबर 191 मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में ए लिखा है एलेंस रूल एलेंस रूल जो है वो ये कहता है कि जो कोल्डर एरियाज के एनिमल्स हैं उनके एक्सट्रीमिटीज जो है वो स्मॉल होते हैं जैसे कि पोलर सील की बात करें थो. तो फर्स्ट में एम में तो फोर्थ आ जाएगा इसमें फिर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कंगारू रेट जो कि अपनी लाइफ में कभी शायद ही वाटर जो है वो रिसीव करता है जो भी फूड वो लेता है उसमें जो फैट है उसके इंटरनल ऑक्सीडेशन जो है उससे वो अपना वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है मोस्टली तो यहां पर फिजियोलॉजिकल एडेप्टन जो है वो कंगारू रेट के अंदर आएगा फर्स्ट में इसके बाद बिहेवियरल एडेप्टन की बात करें तो इसमें आता है डेजर्ट लिजार्ड्स ये देखा गया कि डेजर्ट लिजार्ट जो है उनके पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टन नहीं है एक्सेसिव कोल्ड को टॉलरेट करने के लिए तो बिहेवियरल एडप्टशन लेती है यानी वो बास्किंग करती है यानी धूप सेकती है तो बास्किंग ऑफ लिजार्ड किसका एडेप्टन है बिहेवियरल एडेप्टन ताकि वो टेम्परेचर के कम्फर्ट जोन में बनी रहे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख सके तो ये बिहेवियल एडेप्टन का एग्जाम्पल है और बायोकेमिकल एडेप्टन जो है वो मेराइन फिशिज एट डेफ्थ जो मेरा फिशिज जो मिलती है वहाँ एक्सेसिव प्रेशर होता है उस एक्सेसिव प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए उनकी बॉडी में कुछ एडेप्टन होते हैं जैसे कि टी एम ए प्रेजेंट होता है ट्रा एमिनो ऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो इस तरह के जो बायोकेमिकल्स हैं वो इनको एक्सेसिव प्रेशर से बचाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ग्लिसरॉल होता है सॉल्यूट होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो है वो मेराइन फिश जो कि डेथ मिलती है उनको एक्सेसिव प्रेशर से बचाता है तो इसका फोर्थ का थर्ड इसमें सही मैच है ओवरऑल अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन टू है क्वेश्चन नंबर 192 नाइन्टी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग हिस्टोन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है तो पहला स्टेटमेंट है द पी एच ऑफ स्टोन्स इज स्लाइटली एसिडिक ये गलत है बिकॉज हिस्टोन्स आर एल्कलाइन और बेसिक प्रोटीन सेकेंड है हिस्टोन्स आर रिच इन एम्यूनोसिट लाइसिन एंड आर्जिनिन ये भी सही है बोथ आर एल्कलाइन इम्यूनोसिट थर्ड हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन ये भी सही है ऑप्शन फोर्थ हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल्स जिसको ऑक्टेंट या न्यू बॉडी कहते हैं न्यू बॉडी कहते हैं तो सेकंड, थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला गलत है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 193। स्टेटमेंट फर्स्ट द कोडोन एयूजी कोड्स फॉर मिथ्योनिन गलत है खाली मिथ्योनिन का स्टेटमेंट सेकेंड ट्रिपल है एंड ए एजी बोथ कोडोन कोड फॉर द एसिड लाइसिन ये सही है तो इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है और स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो करेक्ट है और ऐसा आपको ऑप्शन टू में दिया गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन टू है